हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, 26 जून 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब जो है ना वो क्या रहेगा। तो वो सवाल आपसे पूछा था कि पाटलिपुत्र जो है ना, ये राजधानी एक्चुअली किस राजा ने बनाई थी, जो कि आज के टाइम पे पटना आप लोग जिसे कहते हैं, बिहार की जो राजधानी है, और ये मौर्य काल या मौर्य वंश से संबंधित थे और इनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का कोई तुमसे पूछे कि कौन सा धर्म था, किस धर्म को मानते थे, तो ये एक्चुअली शुरुआत में तो ये आजीवक संप्रदाय ही थे, लेकिन बाद में मरते समय इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। भद्रबाहु से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में दीक्षा ली थी, जैन धर्म की दीक्षा ली थी इन्होंने, और उसके बाद सुलेखना या संथारा विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे बिना कुछ खाए पिए। इनका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार ने कोई धर्म नहीं अपनाया था। और उसके बाद में राजा अशोक की बात करते हैं, तो राजा अशोक वैसे तो कोई धर्म अपनाया नहीं था, लेकिन साल 261 ईसा पूर्व का जो वक्त था, जिसमें कलिंग का युद्ध हुआ था, उसमें हृदय परिवर्तन होने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म, चीनी यात्री उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और इन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में फिर बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इनके प्रधानमंत्री चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये नाम आपको याद रहने चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने किस जिले में मेट्रो कनेक्टिविटी की सौगात दी है? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो कनेक्टिविटी की सौगात दी है कौन से जिले में? इस जिले का नाम है फरीदाबाद। काफ़ी प्यारा सवाल है। अभी हाल ही में एक रैली हुई थी और उस रैली में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लिए। बल्लभगढ़ पलवल की मेट्रो कनेक्टिविटी को भी हाल ही में स्वीकृति दी गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारे अब हरियाणा के पलवल के अंदर भी मेट्रो है वो आ जाएगी, बल्लभगढ़ से या यूं कहिएगा बलरामगढ़ से। फरीदाबाद से गुरुग्राम तक 30.38 किलोमीटर के रूट पर बाटा चौक से शहीद बाबा सिंह पयाली चौक, डबुआ पुलिया से आगे सैनिक कॉलोनी मोड़, पाली स्टेशन, क्रेशर जोन, भाटी माइंस, मांडी, सुशांत लॉक सेक्टर 54, गुरुग्राम और सेक्टर 45 गुरुग्राम स्टेशन को जो है ना, इनके लिए प्रस्तावित है ये मोड़ गुरुग्राम से फरीदाबाद के बीच में। तो अभी रिसेंटली गुरुग्राम की तर्ज पे ही, अभी आपको पता है ना कि गुरुग्राम के अंदर भी एक नई मेट्रो ट्रेन की सौगात दी गई थी, ऐसे ही मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की तर्ज पे ही अब ओल्ड और न्यू ग्रेटर फरीदाबाद को अंडर पास व यू टर्न से आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो ये एक यूनिक सी बात है। इसके अलावा जो है ना, मुख्यमंत्री जी ने एक बात और अभी रिसेंटली रैली के दौरान ही जिक्र कर रहे थे कि यहाँ इस क्षेत्र को जो है ना, जल्द ही और परिवहन सुविधा, यातायात की सुविधा है, हर प्रकार की जनता के लिए हर प्रकार की जो यातायात सुविधा होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन के अलावा बसेस की भी होती है सुविधाएँ, तो उन प्रकार की सुविधाओं को भी जल्द ही उपलब्ध करवाएंगे इस क्षेत्र के लिए। अच्छा, आप फरीदाबाद की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ हम लोग बीते दिनों की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो फरीदाबाद से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक एक आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि हरियाणा के अंदर भारत का जो जैविक डेटा केंद्र है, ठीक है ना, यानी कि जो आप लोगों का बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, बायो डेटा सेंटर जिसको आप कहा करते हो, बायो डेटा सेंटर, ये पहली बार हरियाणा में कहाँ पर खुला है? तो ये खुला है सर फरीदाबाद के अंदर खुला है, ठीक है ना, फरीदाबाद में ही। इसके अलावा आप लोगों को ये याद करना है कि हरियाणा के अंदर सबसे पहली बार जो ट्रू 5G की बात कर रहे हो, जो आज आप जियो में यूज़ करते ही होंगे, इसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत हुई थी गुरुग्राम और एक साथ फरीदाबाद में जियो की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी ने 5G, वो तो केवल गुरुग्राम था उसके अंदर 13 शहरों में से, लेकिन जियो का ट्रू 5G की शुरुआत गुरुग्राम और फरीदाबाद में दोनों में एक साथ की गई थी आपकी, ठीक है। तो ये एक फरीदाबाद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखनी हो सकती है। इसके अलावा फरीदाबाद से रिलेटेड आपको और बात क्या याद करनी होगी कि अभी हरियाणा के अंदर जो है ना, वो मॉडल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी सेंटर बनेगा, वो कहाँ कहाँ पे बनेंगे, वो भी इन गुरुग्राम और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनेगा, याद रखना आप लोग। इसके अलावा हरियाणा में ना एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनने वाले हैं, जो एक ही जगह से पूरे ज़िले को कंट्रोल कर सके, वो भी गुरुग्राम, फरीदाबाद और के साथ साथ एक ज़िला और है जिसका नाम है करनाल, यहाँ पे बनने की संभावना है।
इसके अलावा ना हरियाणा के अंदर ट्रिपल पी मोड, ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मोड पर पहला बस पोर्ट हरियाणा में कहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना, पहला बस पोर्ट ये बन रहा है फरीदाबाद में। बस पोर्ट और बस स्टैंड में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बस पोर्ट एयरपोर्ट की तरह ही थोड़ा ज़्यादा विकसित होता है, बहुत सारी वहाँ पर दुकानें वगैरह भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो ना यहाँ का फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है ना, उसको भी अत्याधुनिक या विश्व स्तर पर बनाने की कोशिश की जा रही है, और फरीदाबाद बस अड्डे का लोकार्पण भी जो थोड़े समय पहले NIT फरीदाबाद बस अड्डे का जो लोकार्पण किया था ना, वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ही इस बस अड्डे का या बस स्टॉप का जो है ना वो बेसिकली अनावरण किया था। अच्छा, फरीदाबाद से आप ये याद कर सकते हो कि जो गेम की बात करते हैं ना, तो एक सिंहराज अधाना का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है ना, सिंहराज अधाना का नाम सुना होगा, ये शूटिंग से संबंधित है, फरीदाबाद से ही है, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग ज़रूर याद रखना। अच्छा, फरीदाबाद का एक गांव है जिसका नाम है सीही गांव, वहां से आप लोगों ने कुछ पढ़ा है कभी? हाँ, बहुत अच्छे से कुछ तुमने पढ़ा होगा, तो तुमने ये पढ़ा होगा कि वहां से सूरदास जी संबंधित थे, और सूरदास जी के सवाल लगभग पेपरों में पूछे जाते हैं, तो इस करके जरूर याद रखना आप लोग। फरीदाबाद में हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है, तो खैर वो भी बात आप लोगों को याद रहेगी रहेगी, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व है कितना, 2442 है, उल्टा सीधा एक समान। सबसे कम भी आपको खैर पता ही होगा कहाँ पर, सिरसा में 303 ही है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, हरियाणा सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले ना पोषण लेवल को सुधारने के लिए, इसका मतलब हुआ कि जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है ना उसको सुधारने के लिए सबसे टॉप अवार्ड किसको दिया था, तो वो टॉप अवार्ड दिया था फरीदाबाद को। फरीदाबाद के एक्चुअली ये नारनोल फरीदाबाद को मिला था, फरीदाबाद के बाद दो नंबर पर नारनोल को मिला है, तीन नंबर पर मिला है अम्बाला को, ठीक है, तो वो भी बात आप याद करना। न्यूट्रिशन वैल्यू सुधारने में टॉप अवार्ड हमारे फरीदाबाद को ही मिला है। बड़खल झील भी आप याद कर सकते हो फरीदाबाद में, YMCA, ठीक है ना, यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो अब जगदीश चंद्र बसु के नाम से जानी जाती है, ये भी फरीदाबाद में डिम्ड यूनिवर्सिटी है। फरीदाबाद जो है ना, ये ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर, राजदूत, इन सभी के लिए इंडस्ट्रियल हब के लिए ज़रूरी जाना जाता है। चलिए सर, अगला सवाल आपको पढ़ाते हैं, क्या कि हाल ही में नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है ना किया गया है, तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया है हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर किया गया, तो इस सवाल का जो ठीक आंसर रहेगा वो रहेगा क्या सर, पंचकुला रहेगा। पंचकुला के अंदर जो है ना राज्य स्तरीय कार्यक्रम एक्चुअली किया तो क्या गया है, आज ही के दिन ये किया जाएगा, सुबह 11 बजे किया जाएगा ये, ठीक है, तो ये जरूर याद रखना आप लोग। नशा मुक्त हरियाणा अभियान 26 जून को होगा, नस्ली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ यह अभियान होगा, इंद्रधनुष सभागार जो पंचकुला केंद्र है वहां पे होगा ये याद रखना आप लोग। पंचकुला से एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी भी है, तुमने कभी नाम सुना हो तो, उनका यशस्विनी है, ठीक है ना, यशस्विनी जो है ना, यशस्विनी सिंह देसवाल है, शूटिंग की खिलाड़ी है पंचकुला जिले से। पंचकुला के अंदर एक मोरनी आपकी पहाड़ी है, खैर नो डाउट आपको अच्छे से पता ही होगा, और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे एक यादविंद्र गार्डन भी है, वो स्टार्टिंग में बनवाना तो स्टार्ट किसने किया था, बनवाना तो स्टार्ट किया था वो फिदई खान ने, लेकिन बाद में महाराजा यादविंद्र सिंह ने उसका निर्माण पूरा करवाया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर ना अभी रिसेंटली पंचकुला तीसरा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया भी बना था, पहला गुरुग्राम, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा पंचकुला, और चौथा तो अभी सोनीपत बना ही बना है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना अभी रिसेंटली हरियाणा के अंदर एक ना बहुत ही बढ़िया या यूं कहिएगा न्यू एडवांस्ड वर्कशॉप कहाँ बनाई गई है, तो अभी हमारे हरियाणा के अंदर जो है ना एक रोडवेज की नई वर्कशॉप कहाँ बनाई गई है अगर पूछ लिया जाए, तो उसका आंसर भी पंचकुला ही रहेगा। पंचकुला के अंदर एक नई रोडवेज की वर्कशॉप तैयार की गई है, ठीक है। और पंचकुला का जो कालका है, कालका से लेके शिमला के बीच में टॉय ट्रेन के अलावा हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की बात भी हो रही है, और ये अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है, याद रखना आप लोग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच द्वारा 5 दिन का राज्य स्तरीय यूथ रेड क्रॉस एडवेंचर कैंप किस जिले में जो है ना ये आपका बेसिकली किस जिले के अंदर हुआ है, या यूं कह सकते हो आप लोग वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन अवार्ड भी दिया गया है,
तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन अवार्ड दिया गया है। किसको मिला है ये अवार्ड? तो सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन अवार्ड जो है ना अभी हाल ही में मिला है साहिबा को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की यूथ रेड क्रॉस वॉलेंटियर साहिबा को सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन अवार्ड मिला है। अवार्ड दिया किसने? कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने दिया, कुल सचिव प्रोफेसर संजीव शर्मा और यूथ रेड क्रॉस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तथा छात्र कल्याण जो अधिष्ठाता प्रोफेसर सुष्मिता ने साहिबा को कुरुक्षेत्र की रेड क्रॉस की पूरी टीम की इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये 19 से 23 जून तक जो है ना एक राज्य स्तरीय यूथ एडवेंचर कैंप आयोजन किया गया था मनाली के अंदर। वहाँ पे 10 यूनिवर्सिटी और 7 कॉलेज के 88 महिला विद्यार्थियों ने यूथ रेड क्रॉस काउंसलर में भाग लिया था, जहाँ पे टॉप आई है साहिबा, जिनको सर्वश्रेष्ठ यूथ कोऑर्डिनेशन का अवार्ड दिया गया है। हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी के राज्य महासचिव कौन है? डॉक्टर मुकेश अग्रवाल है। अच्छा, मैं आपको पूरा ही आंकड़ा बताता हूँ। देखिएगा, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए जो पीजीटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना उसके प्रेसिडेंट कौन है? जो राज्यपाल होते हैं वही प्रेसिडेंट होते हैं। अच्छा, वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन का नाम तो है श्रीमती सुषमा गुप्ता, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? देखो, प्रेसिडेंट तो रहे राज्यपाल और वाइस प्रेसिडेंट है मुख्यमंत्री, और वाइस चेयरमैन कौन है? तो वाइस चेयरमैन का नाम है सुषमा गुप्ता, और जनरल सेक्रेटरी कौन है? डॉक्टर मुकेश अग्रवाल है। तो ये बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए इतनी। चलो, इसी के साथ ये सेशन तो करता हूँ समाप्त। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, बताइए विस्तार से इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों को मैं कल की क्लास में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पूछा है, जितना डिटेल आपको पता